आप लोग का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान का दूसरा जुमा मुबारक हो। तो यार आज हम लोग जा रहे हैं फूड मार्केट, हमारी इंडस्ट्री से छुट्टी है तो हमने सोचा जाके फ्रूट्स ही ले आएँ। और अभी 10 बजे का टाइम है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि सारी रात बारिश होती रही है। और ये हम अपने हॉस्टल में अभी फ़िलहाल यूएल में आप लोग को यही जगह दिखाती हूँ क्योंकि ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज तो मार्गला हिल्स क्लियर क्लियर नज़र आ रही हैं। तो जी हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। अभी अंकल ने सफाई किया तो हॉस्टल बड़ा साफ सुथरा है। और ये हमारा मिरर तो साफ नहीं हुआ। तो यार हम पहुंच गए घंटाघर। घंटाघर का टाइम ख़राब है, जैसे हमारा टाइम ख़राब चल रहा है वैसे इसका भी टाइम ख़राब चल रहा है। तो यार हम लोगों ने कॉइन्स ले लिया और मेट्रो पे आ गए हम। अब जाते हैं मार्केट। यार ये बच्चा शायद बोल नहीं सकता, इस जैसे इसके अम्मा अब्बा ने इसकी शर्ट के पीछे नंबर लगा दिया, लिख दिया है। हमारी पाकिस्तानी अम्मा कितनी चालाक और तेज़ है माशाल्लाह से। बारिश ने हर जगह का बुरा हाल कर दिया, देखे कितना गंदा फ्लोर हुआ हुआ है। चलो हमारा क्या है, लेकिन हम पाकिस्तानी और हम पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे। और ये अपना भावलपुर है, नूर महल। दो बास्केट्स ले लिए, एक प्लेट्स के लिए और एक फ्रूट के लिए, ये दो। और हमें मिली है 450 की ये दोनों। तो एक पापड़ सेक्शन पे आए हैं, यहाँ पे हर किस्म के पापड़ की वैरायटी अवेलेबल है। तो यहाँ से कुछ पापड़ शापड़ लेते हैं, रेड वाइट ग्रीन पिंक सब कलर के हैं। क्यों बैठे हो, रोज़ा नहीं रखा? हेलो तो करो। चुप चुप हो जा सातवीं फेल, चुप, एक शब्द नहीं बोल। अस्सलाम वालेकुम करो, ऐसे करो, ऐसे। आपने रोज़ा नहीं रखा, एटीट्यूड वाले लग रहे हो। उसकी बहन खाई जा रही है, उसका रोजा नहीं है। बच्चा देखो कितना क्यूट है माशाल्लाह से, इग्नोर कर रहा है, लड़का है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो यार हम लोग आ गए हैं फ्रूट मार्केट, यहाँ से कुछ फ्रूट लेते हैं। बॉयकॉट के बावजूद भी फ्रूट बहुत महंगे हैं। दिखाओ। तो यार हम एक और स्टॉल पे आ गए हैं, यहाँ से हम स्ट्रॉबेरी लेते हैं, स्ट्रॉबेरी अच्छी लग रही है। ले ली है और फ्रूट सही मिले हैं, हम लोग 4-5 फ्रूट ले लिया, बाकी हम सब्जी लेते हैं और चलते हैं। यहाँ फ्रेश देख सकते हैं, वहाँ किसी ज्यादा टूटी पड़ी है, होने वाली है। मौसम बड़ा खराब है, हम अपना छाता लेके आए हैं। टमाटर 94 रुपए किलो मिल रहा है और लीमू 100 रुपए पा। देख रहे हैं आलू 284 रुपए किलो और प्याज 600 रुपए, मतलब कुछ भी इतनी महंगाई, बंदा आलू और प्याज भी ना खाए, पकौड़े भी ना खाए। यार हम लोगों ने सब कुछ ले लिया, मौसम बहुत ख़राब हो गया, बारिश आने वाली है और मंडी को हमने लूट लिया। देख रहे हैं सारा सामान हो गया हमारा। लोग फ्रूट लेके रूम में आ गए हैं और फ्रूट को वॉश भी करके बास्केट्स में डाल दिया है। हम लोग स्ट्रॉबेरी लाए हैं, उसके अलावा कुछ ग्रेप्स लाए हैं और ये हम लोग भे लेके आए हैं पकोड़े बनाने के लिए। पता नहीं आप लोगों ने खाए हैं नहीं, लेकिन ये भे के अच्छे पकोड़े बनते हैं। और एक हम लोगों ने चुकंदर लिया था, हमने एप्पल्स लिए हैं और खरबूजा दो किस्म का। इसके अलावा खीरे लिए, लीमू लिए, केले लिए और टमाटर लिए। और अब हम लोग रूम में आके इनको साफ़ करके रख दिया। अरे हम लोग रोज़े के लिए अफ्तारी बना रहे हैं और कुछ बेरोज़ा लोग आए हैं जो ना खाने के अंदर झपटे मारे। तुम ये सब छोड़ो, भे तो ये देखो ये क्या है, तुमने कभी देखी है ये? कश्मीर में होती है, तुम ट्राई करो भे को। और ये शहर है हमारी हॉस्टल की, एक फैलो है। कैसी है, इसके झुंडे नज़र आ रहे हैं आपको, कैसी है? सच्ची में गंदी, मीठी है? हाँ अच्छी है, गन्ना का थोड़ा थोड़ा टेस्ट है। यार हम लोगों ने आज बहुत ज़्यादा थक गए थे, फ्रूट लेके आए मार्केट गए तो हमने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, बस फ्रूट चाट बनाई, उसमें सारे मतलब सारे फ्रूट्स काटे और हल्की सी चाट डाली। उसके अलावा हम लोगों ने बिरयानी ऑर्डर कर ली, हमने कहा और कुछ नहीं चलो कुछ बिरयानी ऑर्डर कर लेते हैं। हमने 3-4 समोसे, क्योंकि खाने तो मैंने ही होते हैं, वो बनाए और हाफ भे के पकोड़े बनाए। कल हम लोग आपको डिटेल में रेसिपी भी बताएंगे। और जूस साथ बनाया और साथ पाइनएप्पल का जूस था,
तो अभी अजान का टाइम हो, फिर अफ्तारी करते हैं। अल्लाह पाक हम सब के घरों में खुशियाँ नसीब फरमाएँ और हम सबको ईमान की और पुख्तगी अता फरमाएँ और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दें। और मुझे बहुत सारा अपनी दुआओं में याद रखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें।